आज मेरे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और सब्सक्राइबर की खुशी इतनी थी मुझे कि घर वालों ने कहा भाई तुम्हारी खुशी को डबल करते हैं, आज के घूमने चलते हैं। और सारा खर्च मुझे ही करना था, तो मैंने भी बोला भाई चलो नेकी और पूछ। तो हम लोग गए ऐसी जगह जहाँ हम लोग पहले कभी नहीं गए, यानी कि रायपुर के अंबुजा मॉल में, और वो हमारे घर से 55 से 60 किलोमीटर के दूरी पर पड़ता है। फिर हमने बेसमेंट में गाड़ी को पार्किंग के लिए लगाया और लिफ्ट का वेट करने लगे, और काफ़ी लोग हमारे साथ वेट कर रहे थे। और लिफ्ट पर चढ़ते ही सबसे पहले मैंने अपने बालों को ठीक किया, क्योंकि हम लोग मॉल में एंटर करने वाले थे। और मॉल में जैसे ही हमने एंटर किया, बाय गॉड इतना सुंदर था, सच में इतना प्यारा लग रहा था ये, और इंटीरियर तो एक नंबर था इसका। और हम लोग पहली बार भी आए थे और मेरे 3000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए थे। मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही एक्साइटेड थी। और मॉल का व्यू देखो, सच में बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा था और बहुत प्यारा बना भी है। और उसके बाद ये लोग गए शॉप में, इनको करनी थी शॉपिंग। और शॉप में जाते ही मैंने कैमरा लिया और मैं सेल्फी लेने लगी, और सामने मिरर था और मिरर में मैंने लिपस्टिक चेक करी। वही लिपस्टिक एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम गए ट्रेंड्स में, सिंह साहब अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह देखने लगे। और कपड़े वगैरह जैसे ही कोई देखता तो सबसे पहले रेट और साइज़ ही चेक करता, साइज़ बाद में चेक करता, रेट पहले चेक करते हैं। तो सेम सिंह साहब भी वही कर रहे थे, और मैं अपने लिए कुछ प्लाजो वगैरह पैंट वगैरह देखने लगी और साइज़ वगैरह मैंने चेक किया, रेट भी चेक किया। और कुर्तियाँ बहुत ही प्यारी आई थी, फिर मैं कुर्तियों की तरफ चली गई। और समर के लिए काफ़ी अच्छी प्यारी प्यारी कुर्तियाँ आई थी, तो मैं साइज़ वगैरह देखने लगी और प्लस रेट भी देखने लगी। और मॉल में काफ़ी घूमने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मेरे पैरों की बज गई थी बैंड, मैंने पहनी थी हाई हील्स, तो मैं इस तरह से अपने पैर दबाने लगी। लेकिन सिंह साहब ने मेरी तरफ़ ध्यान ही नहीं दिया, मैंने फिर से वही चीज़ रिपीट करी और फिर इन्होंने मेरी तरफ़ देखा, मुझे हुई खुशी। और फिर मैंने कुछ फ़ोटोज़ पिक कराए, तो बहुत सारी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ भी हमने साथ में ली। सच में बताइएगा, आप भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले फ़ोटो लेते हैं ना, सेम मैंने भी वही किया, मैंने भी पिक्स ली। वैसे तो हर मॉल में व्यू चेंज होता रहता है, मतलब डेकोरेशन का, तो ये जो व्यू हमको देखने को मिला बहुत ही प्यारा और सुंदर था, और वाइब्स भी बहुत गुड आ रही थी, यानी गुड वाइब्स आ रही थी। क्यों ना आए भाई, हमारे ऊपर भी गुड वाइब्स लिखा था। और जो ट्रेन चल रही थी मॉल के अंदर वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मेरा बैठने का मन किया लेकिन मैं इस पर नहीं बैठी, क्योंकि हम वैसे ही बहुत लेट हो गए थे। फिर मैंने बनी के पास भी पिक खिंचवाई, मतलब खिंचवाई नहीं, मैंने खुद ही खींची। बनी भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद हमें देखने को मिला अपना फेवरेट स्पाइडी, मतलब कि स्पाइडरमैन। मैंने भी सोचा इसकी तरह पोज बनाओ, लेकिन मैंने 2-3 बार ट्राई किया यार, नहीं बना पाई। मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी और सामने भी सब हंस रहे थे, क्योंकि मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने कहा चलो यार, जिस तरह से बैलेंस करना है कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये दो पिक खींची, क्योंकि मुझे ऐसी ड्रेसेस सिलवानी थी। फिर हमने देखी विंटेज कार, ओ माय गॉड इतनी प्यारी, काश ये कार मेरे पास भी होती। चलो कोई बात नहीं, किस्मत में होगा तो ज़रूर होगी। फिर उसके बाद हम गए टर्किश आइसक्रीम वाले के पास। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अभी तक मैंने सिर्फ ऐसे वीडियोस ही देखे थे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट था। और आप नोटिस करिएगा, मैंने फर्स्ट बारी में झपट्टा मार के आइसक्रीम को पकड़ लिया, यानी कि कोन को पकड़ लिया, और मैं बहुत ही खुश थी कि मैंने बाजी मार ली है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से कोन वापस ले ली, और कोन लेने के बाद वो अपने वही मूवमेंट्स करने लगे और उन्होंने मेरे गाल पे लगा दिया, यार मेरे चीक पे लगा दी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। फिर मैं उसको आइसक्रीम कोन को पकड़ने लगी, लेकिन मैंने बोला भैया मैं अगर झपट्टा मारूं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ में आपका रॉड लग जाए, इसलिए थोड़ा स्लो करिए। और उन्होंने टक से मेरे सर पे मार दी, मुझे तो सच में हंसी ही नहीं रुक रही थी। और मैंने फिर से कोन को पकड़ा और वो कोन फटाक से साइड में जाके गिर गई, और मैं बहुत ही खुश हो गई कि मैंने फिर से बाजी मार ली है। और उन्होंने कई बार ऐसा किया, और सच में ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर उन्होंने मुझे हाई फाई दिया और मुझे इस तरह से ट्विस्ट करवाया, तो मुझे सच में बहुत ही हंसी आ रही थी कि ये सब मतलब कुछ नया था। और सच में टर्किश आइसक्रीम वाले बार बार मेरे साथ भैया चीट करने लगे, खाली कोन देते रहे, आइसक्रीम की दिखाते रहे, बार बार ऐसे लेते रहे। और मैंने बोला यार मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने मेरी नाक पे लगा दी, भाई मैंने बोला आपने मेरा मेकअप ख़राब कर दिया। मैंने तुरंत ही टिश्यू पेपर से पोंछा, और उन्होंने बोला कि अब मैं आइसक्रीम आपको देता हूँ, लेकिन फिर नहीं दी। फिर उन्होंने मेरे साथ मजाक किया, और फिर फाइनली मुझे लगा फिर से वो ऐसे ना कर दे, तो मैंने छीन ली उनके हाथ से, और मैं बहुत ही खुश थी। तो मैंने एक बाइट लिया और काफ़ी आइसक्रीम टेस्टी थी, और फिर सिंह साहब को भी मैंने टेस्ट कराया। फिर हम लोग गए गेम जोन की तरफ, और हम लोग काफ़ी घर से ही लेट निकले थे और मॉल में भी देर से पहुंचे थे, तो गेम जोन ज़्यादातर बंद ही हो चुके थे। तो हमने बोला कोई बात नहीं, बंद हो गया ऐसे ही घूम के आते, एक चक्कर राउंड मार के आते हैं।
फिर मुझे स्टैचू दिखा, स्टैचू की तरह मैंने पोज बनाने की कोशिश की, मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी, बन नहीं पा रहा था, फाइनली पोज बन गया। और उसके बाद मुझे एक और स्टैचू दिखा, उससे मैं बात करने लगी कि भाई लगता है तुम मेरे से ज़्यादा थक गए हो जो तुमने अपने हाथ नीचे और पैर ऊपर कर लिए हैं, और ये सब हंसने लगे। फिर एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल सा व्यू था, स्टैचू बहुत ही प्यारा था, मैंने उसकी तरह खड़े होकर फिर फोटो खिंचाई। और फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए क्योंकि रात बहुत ही हो चुकी थी और मॉल भी लगभग बंद ही हो गया था। फिर हम लोग एग्जिट की तरफ बढ़े और बेसमेंट काफ़ी बड़ा था, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको वीडियो में तो पूरा व्यू ही मिल रहा है। और मैं यहाँ का कोई भी व्यू मिस नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि जो भी मैं देख रही हूँ, जो भी व्यू मैं ले रही हूँ, सब आपके साथ वीडियो में शेयर करूँ। तो हम लोग बाहर की तरफ निकले, देखिए कितना प्यारा लग रहा, चारों तरफ पेड़ भी लगे, बहुत ही सुंदर लग रहा था और रात भी काफ़ी हो गई थी और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और हाँ, मॉल में मैंने जो भी शॉपिंग वगैरह की है उसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द आप लोग साथ शेयर करूँगी। और मैंने एयरिंग्स की तो बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करी, सच में मुझे एयरिंग्स बहुत ही पसंद है। और आज का दिन सैटरडे था इसलिए मॉल में हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया क्योंकि हम सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाते हैं। अब हम लोग आ गए थे मॉल से बाहर और स्ट्रीट फूड में हमें मिला तवा पुलाव, तो हमने तवा पुलाव को ऑर्डर किया और भैया ने मक्खन को अच्छे से डाला, उन्होंने हमें समझा हम लोग फूड व्लॉगर हैं। तो अगर आपको भी अच्छी क्वांटिटी में कोई चीज़ चाहिए ना तो वीडियो बना लेना, ठेले वाले भैया आपको मस्त क्वांटिटी में और मक्खन डाल के बढ़िया सा देंगे। और एक तरफ तवा पुलाव रेडी हो रहा था और दूसरी तरफ मैं खा रही थी अपने फेवरेट गुपचुप, हमारे इधर गुपचुप बोलते हैं और यूपी की साइड में इसे गोलगप्पे या पानी के बताशे भी बोला जाता है और कई जगह पुचकी या पुचकी क्या बोलते हैं वो भी बोला जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके उधर क्या बोलते हैं। और तवा पुलाव काफ़ी अच्छा और टेस्टी बना था बट इस पर नमक की थोड़ी सी कमी थी, तो मैंने भैया को बोला भैया थोड़ा सा नमक डाल दो, फिर मैंने अपने तवा पुलाव में नमक डाला, पता नहीं मेरी प्लेट में 3 चम्मच क्यों रख दिए थे भैया ने, तो चम्मच को मैंने साइड में करके नमक डलवाया और ऊपर नमक स्प्रिंकल किया और फिर मिक्स करके मैंने मज़े से खाया। और थोड़ा सा नमक मैंने सिंह साहब के भी पुलाव में बिना पूछे ही डाल दिया था। और फिर हमें मिला गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल सोडा, पर स्ट्रीट फूड का तो सच में मज़ा ही अलग है। तो मैंने सोडा पिया और मुझे एकदम शांति मिली। फिर मैंने बोला भैया मैं तो चली कार में बैठ के खाने, मेरे पैरों में बहुत हो रही दर्द। उसके बाद रात के 2 बजे हम लोग गए हाईवे ढाबा में खाना खाने के लिए और 2 वैसे ही बच चुके थे और यहाँ सबको आलस आ रहा था यानी कि नींद आ रही थी। और मैं आपको दिखाती हूँ, ढाबा अभी भी बहुत ही मतलब चल रहा था रात भर, मतलब 24/7 hours ढाबा खुला रहता है। पहले सैलड आया, मैंने सलाद खाया, मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। उसके बाद हमारा वेज खाना आया, पनीर बटर मसाला और मिक्स वेज, साथ में दाल फ्राई, चावल, रोटी, मैंने फटाफट से खाया और सब ने खाया और सच में खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो इसी तरह से मैंने मनाया अपने 3000 सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन अपनी फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।